Presentation slides are provided on students request for purpose of quick reference only hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects students are expected to refer standard books for study for examination प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर साइज सेपरेशन में और वो है हमारा इलेक्ट्रेशन टैंक आज हम एक नया इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं जो साइज़ से प्रसन्न के काम आता है और उसका नाम क्या है इल्यूट्रेशन टैंक तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो इल्यूट्रेशन टैंक है उसका अगर एक बेसिक डायग्राम हम देखें तो बेसिक डायग्राम कुछ ऐसा होता है ठीक है ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें हम ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम लोग समझेंगे कि इल्यूट्रेशन टैंक क्या होता है अभी मैं इसका इक्विपमेंट भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा तो फिलहाल समझते हैं इल्यूट्रेशन क्या होता है तो इल्यूट्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज सेप एंड डेंसिटी मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स को सेग्रीगेट किया जाएगा सेपरेट किया जाएगा किसके बेसिस पे पार्टिकल के साइज पे पार्टिकल का सेप पे और पार्टिकल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल हैवी है ज्यादा डेंस है बड़ा पार्टिकल है तो है ना तो यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन तो एक चीज याद रखना है, अगर आपको एक वर्ड में बोलना पड़े कि इल्यूट्रेशन टैंक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो आप बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन हम यहां पर सेडिमेंटेशन के बेसिस पर करने वाले हैं सेडिमेंटेशन किस पर डिपेंडेंट होता है साइज सेप और डेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं इलूट्रिशन में इज सेपरेशन कर रहे हैं यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लूड बेसिकली यहां पे फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं ठीक है इन द डायरेक्शन यूजुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ये जो फ्लूड होगा यानी कि गैस या लिक्विड ये जिस डायरेक्शन में भी जाएगा ये जिस डायरेक्शन में भी जाएगा पार्टिकल सेडिमेंटेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन अगर ये पार्टिकल है तो इसका सेडिमेंटेशन मतलब होता है नीचे सेटल डाउन हो जाना बैठ जाना ठीक है तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे सेटल होंगे जिसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं तो जो फ्लूड का फ्लो होगा वो इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन ठीक है दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर पार्टिकल स्मॉलर देन वन माइक्रोमीटर इसका इस्तेमाल हम लोग कब कर रहे हैं जब पार्टिकल वन माइक्रोमीटर से छोटे साइज का है वन माइक्रोमीटर से भी छोटे साइज का अगर पार्टिकल है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो इल्यूट्रेशन वर्ड का प्रोसेस का मतलब समझ में आया। इल्यूट्रेशन एक प्रोसेस है और उसमें उस प्रोसेस के बेसिस पे बना हुआ इक्विपमेंट है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इल्यूट्रेशन टैंक देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका फ्लूइड फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेटलिंग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल मतलब पार्टिकल अपने ग्रेविटी के कारण जब पार्टिकल किसी भी फ्लूड के ऊपर सस्पेंडेड होगा जैसे अगर हवा में भी अगर पार्टिकल उड़ रहा है तो धीरे धीरे वो नीचे सेटल होता है ग्रेविटी के कारण या फिर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो भी पार्टिकल धीरे धीरे उसमें सेडिमेंट होता है नीचे की तरफ तो सेटलिंग मूवमेंट बोलते हैं सेडिमेंटेशन इज अ सेटलिंग मूवमेंट नीचे की तरफ पार्टिकल का गिरना डेंसिटी के कारण और खुद की के वेट के कारण सेडिमेंटेशन इज स्टिल पॉसिबल फॉर द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी ग्रेटर देन लिक्विड मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड देखो क्या बोल रहे हैं अपन सेडिमेंटेशन इज स्टिल पॉसिबल ठीक है फॉर द पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी ग्रेटर देन लिक्विड मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड तो सेडिमेंटेशन तब भी जब पॉसिबल है जब पार्टिकल ऊपर से नीचे किया और आ रहा होगा और उससे ज्यादा स्पीड से उससे ज्यादा स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो यह पार्टिकल को लेकर चला जाएगा पार्टिकल का सेडिमेंटेशन तब भी पॉसिबल है यहां पे कहने का मतलब यह है बट मतलब, द पार्टिकल सेटलिंग स्लोली विल बी ट्रेब्ड एंड मूव्ड अपवर्ड्स अलोंग विथ लिक्विड मतलब पार्टिकल्स इस फ्लो के साथ अगर पार्टिकल हल्का हुआ फ्लो रेट ज्यादा हुआ है ना देखो वेलोसिटी इसकी जो वेलोसिटी है नीचे गिरने की वेलोसिटी अगर ऊपर आने वाले फ्लूड की वेलोसिटी भी उसी के बराबर या उससे ज्यादा है तो ये इसको बैलेंस करने लगेगा इसका जो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा उस, उसको ये बैलेंस करने लगेगा ये जो वेलोसिटी है और अगर ये इससे ज्यादा हो गया वेलोसिटी अगर बढ़ गया तब ये इसको लिफ्ट करके आगे ले जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा अलॉन्ग विथ लिक्विड लिक्विड के साथ वेरी फाइन पार्टिकल्स में बी रिमूव्ड विथ लिक्विड इन ओवरफ्लो जो बहुत हल्का पार्टिकल होगा फाइन पार्टिकल होगा वो रिमूव हो जाता है ओवरफ्लो से जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे एक टैंक है ये इस टैंक को बोलेंगे एल्यूट्रिशन टैंक अब देखो यहाँ से हम नीचे वाला बॉटम वाले लाइन से अपन क्या कर रहे हैं सुपरविजन ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स को यहाँ पे भेज रहे हैं या फिर हम यहाँ से लिक्विड को भेज रहे होंगे अगर हम यहाँ से लिक्विड को भेज रहे होंगे ठीक है तो इसमें यहाँ से कहीं पास एक एंट्री होगा लेटरल एंट्री होगा किसका पार्टिकल्स के लिए एक हॉपर से कनेक्टेड होगा जहां से हम पार्टिकल्स या स्लरी जो है अंदर भेजेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे तो पार्टिकल जब यहां से ऐसा अंदर की तरफ आ रहा होगा तो इस पार्टिकल को क्या फेस करना होगा यहां नीचे से आने वाले लिक्विड के स्ट्रीम को फेस करना पड़ेगा अभी जो लिक्विड का बहाव है ये ऊपर की तरफ है अपवर्ड है नीचे से ऊपर तो ये अगर इसकी वेलोसिटी पार्टिकल के नीचे आने की वेलोसिटी से ज्यादा है तो ये पार्टिकल्स को ऊपर ले जाएगा अगर इसका वेलोसिटी है हाँ ना क्योंकि अगर ये ज्यादा डेंस पार्टिकल हुआ ज्यादा भारी पार्टिकल हुआ तो ये उसको ऊपर उठा नहीं पाएगा पार्टिकल धीरे 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 बॉटम की तरफ गिरेगा और पार्टिकल नीचे आ जाएगा लेकिन अगर हल्का है तो पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा ये जो ओवरफ्लो है यहां से हल्के पार्टिकल निकल जाएंगे इसके कहने का मतलब यही है फाइन पार्टिकल ओवरफ्लो से आएगा हैवी पार्टिकल नीचे आ जाएगा कोर्स पार्टिकल नीचे आ जाएगा ये तो हुआ एक टैंक अगर एक टैंक है तो हमको कभी कभी हम सीरीज भी लगा लेते हैं टैंक की बहुत सारी सीरीज जोड़ देते हैं अभी मैं उसको भी बताऊंगा ठीक है तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया सेडिमेंटेशन के बेसिस पे होगा लिक्विड का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा सेडिमेंटेशन के ये याद रखना सेडिमेंटेशन जिधर हो रहा है उसके उल्टा लिक्विड का फ्लो होना चाहिए तब ये काम करेगा ठीक है कंस्ट्रक्शन इसकी बनावट कैसी है आल इलिट्रेशन टैंक या इलिट्रेशन चैम्बर्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एक या एक से ज्यादा सॉर्टिंग कॉलम इसको बोलते हैं सॉर्टिंग कॉलम क्योंकि ये सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना ठीक है तो ये छटाई कर रहा है किस चीज का छटाई कर रहा है जो पार्टिकल्स अलग size अलग साइज के हैं अलग अलग पार्टिकल को छांट रहा है तो हम क्योंकि ये कॉलम है तो हम इसको बोलेंगे सॉर्टिंग कॉलम्स ठीक है फॉर अपलिफ्टिंग द फ्लूड एट डिफाइन रेट अब ये जो कॉलम होगा ये लिक्विड को या फ्लूड को अपलिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ भेजेगा एक डेफिनेट किसके साथ रेट के साथ क्योंकि लिक्विड का फ्लो रेट कितना होना चाहिए हर एक टैंक का फ्लो रेट अलग होगा द इनपुट फीड विल बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट साइज फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन देयर टर्मिनल वेलोसिटी है ना तो ये जो पार्टिकल को फ्रैक्शन मतलब अलग करना है इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी मतलब ये कि, किस किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये नीचे से फ्लूइड किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है इसके बेसिस पे ये अलग अलग साइज के हिसाब से इसको क्या कर दिया जाएगा सेग्रीगेट कर दिया जाएगा या सेपरेट कर दिया जाएगा तो चलिए मेन जो हमारा इस पूरे इक्विपमेंट का जो मेन पार्ट आता है वो है इसका वर्किंग है ना कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया ये टैंक देखो किसी भी चीज का बना हो सकता है मेटल का बना हो सकता है प्लास्टिक का बना हो सकता है ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है अगर लेबोरेटरी लेवल पे हम कर रहे हैं मे बी ग्लास का हो सकता है ट्रांसपेरेंट ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक का बना भी हुआ हो सकता है बेसिकली हमको ट्यूब चाहिए ठीक है या ये मेटल का भी बना हो सकता है या स्टील का बना हो सकता है तो चलिए अब आते हैं इसके मशीनरी पार्ट पे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे वर्किंग की है ना तो जैसा कि आपने वहां पे देखा था वो एक उसका ब्लॉक डायग्राम था अभी हम देख रहे हैं इसका इक्विपमेंट ये लेबोरेटरी लेवल पे बना हुआ इक्विपमेंट है ये जो इक्विपमेंट है ये लेबोरेटरी लेवल पे है ठीक है आपको कहीं पर डाउट रहे हैं? प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है आप चाहते हैं कि इसका हम रिवीजन करें तो आप कमेंट करेंगे उसके बेसिस पे इन इन सभी टॉपिक्स की रिवीजन क्लास हम लगा पाएंगे ओके तो चलिए ये इक्विपमेंट देख रहे हैं आप सीरीज लगा हुआ है अब वर्किंग की बात करते हैं इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल मोशन फ्रॉम बॉटम टू अप इन अ वर्टिकल ट्यूब थ्रू विच द फ्लुड इज अलाउड टू स्लोली फ्लो अपवर्ड पार्टिकल्स को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे नीचे की तरफ से लिक्विड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पे हम पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे पार्टिकल्स को इसके बीच में रस्ते में ले आएंगे ठीक है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डेंसिटी द पार्टिकल्स विल सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट अब यह कितना बड़ा है कैसा साइज है इसके हिसाब से इस पार्टिकल का मूवमेंट डिसाइड होगा एज द वाटर फ्लो स्लोली इंक्रीज जैसे जैसे वाटर का फ्लो इनक्रीज या वाटर से अगर हम बात करें तो यह लिक्विड है यह लिक्विड कुछ भी हो सकता है जनरली वाटर होता है बट ऐसा जरूरी नहीं है लिक्विड होना चाहिए एज द वाटर स्लोली इंक्रीज द फ्लूड स्ट्रीम एंड मे बी कलेक्ट फ्रॉम द ट्यूब है ना फ्लूड स्ट्रीम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये जो लिक्विड ये जो सॉलिड इंट्रोड्यूस किया है ये इसको कलेक्ट कर लेगा अपने साथ द इंटर पार्टिकल्स परसिस्ट मोशनलेस इंटर का मतलब होता है जो पार्टिकल ज्यादा भारी भी नहीं ज्यादा हल्का भी नहीं वो मोशनलेस होंगे वहीं पसट के रहेंगे एंड द लार्जर और डेंस वन कंटिन्यू टू डेसेंडिंग अगर पार्टिकल बहुत ही हल, क्या हुए हैवी हुए भारी हुए तो वो डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरते जाएंगे तो वो कंटिन्यूली नीचे जाएंगे द फ्लो कैन फर्दर बी इंक्रीज फॉर कलेक्शन द नेक्स्ट बैच विथ डिफरेंट पार्टिकल अब जो फ्लो होगा इसको कंटिन्यू रखेंगे इंक्रीज कर लेंगे कलेक्शन द नेक्स्ट बैच विथ डिफरेंट पार्टिकल साइज ये तो हुआ अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज का सिंगल एल्यूट्रेशन टैंक अगर हमने सीरीज नहीं बनाई हमने एक ही इल्यूट्रेशन टैंक लिया है तो समझते हैं थोड़ा सा ब्लैंक हम एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं समझते हैं देखो जो हमारा एल्यूट्रेशन टैंक है हम पहले एल्यूट्रेशन टैंक बना लें तो हम समझ जाएंगे कि इस पर काम कैसे चलेगा तो जैसे ये इल्यूट्रेशन टैंक है ठीक है अब ये जो इल्यूट्रेशन टैंक है इसमें इसके बॉटम वाले एरिया से एक इनलेट है है ना और इसके ऊपर से एक ओवरफ्लो है ठीक है ऊपर से एक ओवरफ्लो है अच्छा इसके अलावा ये जो हम देख रहे हैं इसमें देखो एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक साइड में लेटरली एक अरेंजमेंट होगा या इसको बोल सकते हैं हॉपर बोल सकते हैं या कोई और भी तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम लोग ये काम करने वाले हैं ठीक है और इसका जो बॉटम एरिया है यहाँ एक कॉनिकल बेस होगा इसका जो बॉटम एरिया है यहाँ एक कॉनिकल बेस होगा जहाँ से हम पार्टिकल जो सेटल हो रहा है उसको खाली करेंगे ठीक है और हर जगह पे एक एक नॉब लगा हुआ होगा ताकि हम जरूरत के हिसाब से किसी भी नॉब को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं है ना हर जगह पे एक नॉब लगा हुआ होगा ट्यूब के अंदर एक नॉब लगा हुआ होगा जिसकी वजह से जिसकी मदद से बोल सकते हैं हम नल को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं ठीक है ये आपके पास एक डायग्राम हो गया हर जगह पे एक कंट्रोल के लिए होगा ठीक है यहां पे भी हो सकता है फीड वाला एरिया में तो अब बात करते हैं कि होगा क्या होगा क्या यहां पे? देखो जब हम वाटर की एंट्री करा रहे हैं है ना हम यहां से वाटर भेज रहे हैं वाटर स्ट्रीम पहला करेंगे तो पानी जो है यहां से ऐसा मूव करेगा ऊपर के डायरेक्शन में ठीक है पानी जो है या फ्लूड जो है वो इस तरीके से मूव करेगा जिधर इसको खुला मिलेगा किधर खुला मिलेगा यहां ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे का नॉब बंद है इधर से फ्लो आ रहा है तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है अब ये जो लिक्विड का एक फ्लो है इस फ्लो में धीरे धीरे लिक्विड भरता जाएगा टैंक में और एक जब ये अपने हाइट पे पहुंचेगा तो लिक्विड जब यहां तक पूरा भर चुका होगा तो लिक्विड जो है वो यहां से ओवरफ्लो होगा ठीक है यहां से लगातार भरेगा यहां से ओवरफ्लो होगा अब देखो ये जो ओवरफ्लो समझना है इस पूरे अभी ये चल रहा है लिक्विड अब ये वेलोसिटी मान लेते हैं मैं यहाँ पे वेलोसिटी वन करता हूँ वेलोसिटी वन वेलोसिटी टू वेलोसिटी थ्री अगर वेलोसिटी वन को अपन माने कि सबसे कम है स्लो है फिर बोल सकते हैं इसको इंटरमीडिएट या मीडियम बोल सकते हैं इसके बाद इसको बोलते हैं हाई अपने पास ऐसा अलग अलग वेलोसिटी कंट्रोल करने का तरीका है जैसे हम इसके अंदर अलग अलग फ्लो के साथ लिक्विड को गुजार सकते हैं अलग अलग फ्लो के साथ गुजार सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि कितना रेट हमको रखना है अब ये तो बात हुई इस पूरे टैंक के मैकेनिज्म का अच्छा इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है अब सपोज मान के चलते हैं हम कि यहाँ से हम पार्टिकल्स को इसके अंदर एंटर कराने वाले हैं ठीक है थीक्या? तो ये मैं पार्टिकल्स को अलग अलग साइज का बना रहा हूँ जैसे ये छोटे हो गए थोड़े और ये थोड़े और बड़े हो गए और ये बिल्कुल छोटे हो गए है ना तो हमारे पास इस पार्टिकल के अलग अलग साइज रेंज होंगे ठीक है अब इन पार्टिकल्स को हमने इसके अंदर से इंट्रोड्यूस किया है तो पार्टिकल यहाँ से एंट्री करेगा तो मान लेते हैं देखो हमारे पास कई तरीक तरीके का पार्टिकल होगा जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल टाइनी पार्टिकल्स ठीक है कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे बहुत ही छोटे छोटे होंगे टाइनी टाइनी होंगे कुछ पार्टिकल्स इसी में ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े होंगे ठीक है कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐसे भी होंगे जो थोड़े बड़े होंगे और कुछ पार्टिकल होंगे जो बहुत ज्यादा हैवी होंगे बहुत ज्यादा बड़े होंगे ठीक है आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी तो अब समझते हैं मैकेनिज्म देखो ये जो पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है ये इसका फीड हुआ यहां से हमने फीड किया अब ये फीड अपन ड्राई पाउडर या स्लरी स्लरी भी हो सकता है है ना क्योंकि यहां पे हमको फ्लूड की जरूरत है अगर मान लेते हैं वाटर है तो यहां से हम एक स्लरी डालेंगे गाढ़ा घोल डालेंगे हमने जो वेट ग्रेन्यूलेशन के थ्रू बनाया होगा वेट आ, वेट ग्राइंडिंग वेट ग्राइंडिंग यानी कि हम वेट ग्राइंडिंग के थ्रू बनाए होंगे या फिर अगर हमने सॉलिड ग्राइंडिंग बनाया तो भी उसका एक सस्पेंशन बना लेंगे और स्लरी जो है यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे स्लरी यहां से आएगा अंदर आएगा अब देखो पार्टिकल अलग अलग साइज का है जो पार्टिकल बहुत हल्का है ना उसके लिए ये फ्लो रेट बहुत ज्यादा है ये अपने ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इसमें जो जी वन लग रहा होगा मैं छोटे पार्टिकल के लिए जी वन वर्ड यूज कर रहा हूं ठीक है तो इसमें जो जी वन लग रहा है उसके लिए जो हमारा वी वन है v1 जो है वो g1 के लिए जो v1 लग रहा है हमने अभी क्या किया है v1 वन वेलोसिटी जो है v1 रखा है स्लो अभी स्पीड है तो स्लो स्पीड में g1 जो है वो कम है v1 से g1 किसके लिए यूज कर रहे हैं छोटे पार्टिकल्स के लिए तो v1 से v1 से मतलब कम है मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इस छोटे पार्टिकल के लिए लेकिन ये जो अपने खुद की ग्रेविटी कारण नीचे जो गिर रहा है इसकी वेलोसिटी कम हुई तो ये ये क्या हो गया छोटे छोटे पार्टिकल को ना लिफ्ट कर लेगा ये जो है, ये जो जो है लिक्विड का बहाव है ये अपने साथ लिफ्ट करके आगे ले जाएगा ये ओवरफ्लो से बाहर निकाल देगा छोटे पार्टिकल्स को बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हैं उसको बाहर निकाल देगा ओवरफ्लो के थ्रू लेकिन जो इंटरमीडिएट साइज के हैं ना तो ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा छोटे उनका जो जी टू लगेगा सपोज मैं इमेजिन करता हूं कि जो मीडियम साइज के पार्टिकल हैं उनका जो ग्रेविटी लग रहा है जी टू यानी इसके कारण ये नीचे सिंक हो रहा है जिससे एक इस पर एक वेलोसिटी आ रहा होगा वो वेलोसिटी बराबर है वी टू के या वी वन के अभी हम लोग बात करते हैं वी वन की ही बात कर रहे हैं अपन अभी बात करेंगे सिर्फ वी वन की तो ये मान लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल हैं उसके लिए इसके जी के कारण जो नीचे की तरफ वेलोसिटी लग रहा है वो वेलोसिटी और जिसको अपन बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी और वी वन जो फ्लो रेट है वो बराबर हो गया तो ये इसको बैलेंस कर देगा इसलिए ये पार्टिकल ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा एक जगह पे अटका सा रहेगा मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा ऐसा माइग्रेट करता रहेगा मतलब ना ही नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा पार्टिकल एक जगह रुक जाएगा आने के बाद ठीक है ये हो गया इंटरमीडिएट साइज के लेकिन जो बहुत हैवी पार्टिकल है जिनको मैं बोल रहा हूं ये बड़े साइज के पार्टिकल ये जो बहुत हैवी पार्टिकल है इनकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसके लिए जो जी थ्री लग रहा है मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा जी थ्री जी थ्री क्या है ज्यादा है वी वन से अभी जो हमने वेलोसिटी लगाई है पहला वेलोसिटी लगाया है स्लो फ्लो किया है फ्लो रेट अभी हमने कम रखा है तो जो बहुत हल्के पार्टिकल थे वो अलग हो गए ओवरफ्लो से जो इंटरमीडिएट साइज के थे वो इस टैंक में अभी हवा में मतलब इस टैंक में बीच में सस्पेंडेड है लटके हुए हैं ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन में है लेकिन जो जी थ्री लग रहा है बड़े पार्टिकल्स के लिए जिसके कारण इसकी जो वेलोसिटी बनेगी ग्रेविटी के कारण जब ये नीचे सेडमेंट हो रहा होगा तो उसके में एक टर्मिनल वेलोसिटी आएगा अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी इसके जो वी वन है उसके उससे बड़ा हो गया ज्यादा हो गया तो ये जो फ्लो रेट के कारण जो एक फोर्स लग रहा था पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव कराने का वो फोर्स उसको उतना नहीं लिफ्ट कर पाएगा और ये जो हैवी पार्टिकल है वो सिंक होने लगेगा धीरे 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 सेटल हो जाएगा और बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा तो अभी हमारे पास दो क्लास डिवाइड हो गया पर पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं इंटरमीडिएट में बहुत सारे हो सकते हैं अब पहले जो ओवरफ्लो आएगा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल निकल जाएंगे फिर हम वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये जो पहले जो पार्टिकल जो अब ऊपर नहीं निकल पा रहे थे अब वो पार्टिकल निकलेंगे थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल निकलेंगे पर फिर भी ये जो हैवी वाले पार्टिकल हैं वो यहीं गिरते रहेंगे है ना और अल्टीमेटली हम इसको रेट को वेल अपने पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको एक ओवरफ्लो में पार्टिकल मिल जाए और सिंक होता हुआ मिल जाए तो ये हुआ सिंगल इल्यूट्रेशन टैंक पर क्या होगा क्या होगा अगर ये जो हम अलग अलग जो मैकेनिज्म लगा रहे हैं है ना हम बात कर लेते हैं इस डायग्राम में पूरा कि हम इसका सीरीज है ना देखो दोबारा बना लेंगे ठीक है तो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस पर ही हम थोड़ा सा चर्चा और करते हैं कि सब सबसे पहला तो यही हुआ स्लो एज द वाटर फ्लो स्लोली इंक्रीज द फ्लूड स्ट्रीम में बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्यूब द इंटेंस पार्टिकल इंटरमीडिएट पार्टिकल जो इंटरस्टिशियल मतलब जो ना ज़्यादा हैवी है ना ज्यादा ज़्यादा लाइट है वो परसिस्टेंट मोशनलेस होंगे मोशनलेस मतलब ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे लार्जर पार्टिकल होंगे बड़े होंगे डेंस होंगे तो वो कंटिन्यूसली डिसेंड करते रहेंगे नीचे गिरते रहेंगे और फ्लो कैन फर्दर बी इंक्रीज फॉर कलेक्टिंग नेक्स्ट बैच विथ डिफरेंट पार्टिकल साइज हम फ्लो रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग दूसरा बैच का कोई पार्टिकल है जिसमें बड़े साइज के पार्टिकल है तो फ्लो रेट और बढ़ा लेंगे या अगला बैच है जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं तो फ्लो रेट कम कर लेंगे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं फ्लो रेट ठीक है अब देखो द मल्टी स्टेज इल्यूट्रेशन प्रोसेस जो होगा मल्टी स्टेज मतलब एक से ज्यादा टैंक रहेगा द मल्टी स्टेज इल्यूट्रेशन प्रोसेस इज इलुस्ट्रेटेड इन द डायग्राम डायग्राम ये diagram में आपने देखा हुआ है एक से ज्यादा है यहां पे देखो एज वी गो फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप फोर मतलब ये हो जाएगा पहला वाला स्टेप वन इसको वन बोल देंगे दूसरे को बोल देंगे टू तीसरे को बोल देंगे थ्री और चौथे को बोल देंगे फोर तो स्टेप वन से फोर तक जाने में है ना द पार्टिकल साइज ऑफ द फ्रैक्शन डिक्रीज यानी कि सबसे पहला वाला जो स्टेज होगा वहां बहुत बड़े पार्टिकल मिलेंगे जो सेकेंड वाला होगा उससे छोटे पार्टिकल मिलेंगे और जो थर्ड वाला होगा उसमें और छोटे पार्टिकल मिलेंगे और सबसे जो लास्ट वाला होगा उसमें और भी छोटे फाइन पार्टिकल मिलेंगे मतलब पहले बड़ा पार्टिकल फिर छोटा पार्टिकल फिर उससे छोटा पार्टिकल और सबसे छोटा पार्टिकल लास्ट वाले में मिलेगा इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आर मोर देन वन द सीरीज ऑफ ट्यूब में भी कनेक्टेड विथ इंक्रीजिंग सेक्शन अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे अगर नहीं भी किए हैं तो हम इसको देख लेते हैं आप देखिए जो पहला वाला जो है जहां पे हम लोग फीड करेंगे ये पहला वाला जो ट्यूब है इसमें हम फीड करेंगे इसका डायमीटर देखिए कम है इसका डायमीटर देखिए कम है दूसरा वाला जो है उसके कंपेरिजन में डाईमीटर ज्यादा है ट्रांसफर सेक्शन इसका ज्यादा है तीसरा वाले का ट्रांसफर सेक्शन और ज्यादा है समझ रहे तो हम क्या बोल रहे हैं देखो इफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आर मोर देन वन अगर हमको जो पार्टिकल साइज अलग अलग करना है हमको अलग अलग फ्रैक्शन एक से ज्यादा टाइप में अगर डिवाइड करना है हमको तीन चार अलग अलग ग्रेड का साइज एक ही बार में हमको निकालना है तो द सीरीज ऑफ ट्यूब में भी कनेक्टेड हमको बहुत सारे ट्यूब को कौन सा ट्यूब इल्यूट्रेशन ट्यूब को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है है ना यानी सीरीज का मतलब होता है जो पहले वाले का ओवरफ्लो है वो दूसरे वाले का इनलेट हो जाएगा पहले वाले का ओवरफ्लो जो होगा वो दूसरे वाले का इनलेट हो जाएगा दूसरे वाले का ओवरफ्लो तीसरे वाले का इनलेट हो जाएगा और तीसरे वाले का ओवरफ्लो फिर चौथे वाले के लिए तो ये एक के बाद एक इसी को हम क्या बोलेंगे सीरीज एक जोड़ना ठीक है विच दिस इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर सेम टोटल फ्लो रेट तो विथ दिस इंक्रीज इन क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया हमको क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना है फॉर द सेम टोटल फ्लो रेट टोटल फ्लो रेट को सेम रखने के लिए द वेलोसिटी इज सबसिक्वेंट ट्यूब विल डिक्रीज सबसिक्वेंट ट्यूब में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ऑप्टेन अलग अलग हमको साइज का मिल जाएगा बाई केयरफुली कंट्रोलिंग द फ्लूड फ्लो द पार्टिकल्स में बी सेग्रीगेटेड डिपेंडिंग ऑन देअर एवरेज साइज एंडिटी अब ये जो हम मल्टी स्टेज वाला जो बोल रहे हैं या सीरीज वाला बोल रहे हैं इसको समझते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग एक ध्यान दीजिए है ना आपके सामने ये सीरीज में एक टैंक है ठीक है आपके पास देखो सीरीज में एक टैंक है अभी मैंने इसको बहुत सारे सीरीज बना के रखे हैं पहला वाला जो होगा जो पहला वाला होगा उसके अंदर एक हमारा इंट्रोड्यूस करने के लिए एंट्री होगा ठीक है तो मैं पहले वाले के लिए एक यहां पे एंट्री बना रहा हूं जहां से पार्टिकल्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है तो ये मैंने एक हॉपर बना दिया पहले वाले टैंक के लिए जहां से पार्टिकल्स जो होगा वो अंदर भेजा जाएगा या स्लरी बोल सकते हैं वो अंदर भेजा जाएगा ठीक है अब अब होगा क्या यहां से स्लरी आएगा ठीक है यहां से स्लरी आएगा मैं स्लरी को कुछ इस कलर से बना दे रहा हूं ठीक है यहां से स्लरी इंट्रोड्यूस होगा और इस यहां पे ऐसा एंटर करेगा है ना जब यहां से स्लरी एंटर कर रहा होगा उसी समय इसके बॉटम से है ना यहां से वाटर कनेक्टेड होगा है ना इसको अगर हम पहला टैंक माने तो सीरीज में देखो एक के बाद एक टैंक बहुत सारा होगा इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है बट अगर इसको पहला टैंक माने तो यहां से एक वाटर पाइपलाइन जुड़ा हुआ होगा जो मोटर से कनेक्टेड होगा मोटर लगातार पानी को पंप कर रहा होगा जिससे कि इसके अंदर पानी का फ्लो बना होगा अब ये पानी का फ्लो इसको ऊपर की तरफ ऐसा क्योंकि नीचे वाला जो है यहां पर नॉब लगा होगा ये बंद होगा अब जो पानी का फ्लो यहां से होगा तो पानी धीरे धीरे यहां से आएगा ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आते हुए जो हल्के पार्टिकल हैं वो अपने साथ लिफ्ट कर लेगा तो देखो ये जो बड़े पार्टिकल हैं जो बहुत बड़े पार्टिकल हैं और जो थोड़े और छोटे होंगे तो अभी ट्यूब ज्यादा है मान लेते हैं यहां पे v1 वन वेलोसिटी वी वन वेलोसिटी से यहां पे लिक्विड जाएगा क्योंकि इस ट्यूब ये ट्यूब पतला है इसको भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तो हमने यहाँ पे पहला वेलोसिटी मान लिया v1 तो इसको भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तेजी से भरेगा तो यहां पर फ्लो रेट ज्यादा होगा इस ट्यूब के अंदर अगर मैं बोलूं कि पानी यहां पे क्योंकि नैरो ट्यूब है तो जल्दी जल्दी यहां से पानी ऊपर जाएगा है ना भरने का रेट इसका ज़्यादा होगा तो यहां पे फ्लो रेट ज्यादा होगा तो इसको मैं मान लेता हूं हाई हाई फ्लो रेट है यहां पे वेलोसिटी जो है जो इसके अंदर फ्लूड एंट्रेंस हो रहा है उसका ज्यादा है अब ये हाई वेलोसिटी के कारण ये कुछ पार्टिकल्स को देखो जो ये साइज के पार्टिकल हैं और जो छोटे साइज के पार्टिकल हैं सबको ये ले जा रहा है अगले वाले में इसका ओवरफ्लो है क्यों क्योंकि ये जो पार्टिकल है जो नीचे गिरने वाला था वो पार्टिकल अब क्या है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हल्का है और ये वेलोसिटी के साथ वो बैलेंस हो जाता है उसका वेट और ये उसको लिफ्ट करके ऊपर ले जाता है लेकिन जो बहुत हैवी पार्टिकल है बहुत हैवी देखो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो बहुत हैवी पार्टिकल है वो यहीं से यहीं गिर रहा है नीचे है ना ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हेवी पार्टिकल वो नीचे गिरते जाएंगे और ये सेटल हो जाएंगे तो ये सबसे बड़े साइज के पार्टिकल क्योंकि यहाँ फ्लोर रेट ज्यादा है तो जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा वही यहाँ पे नीचे बॉटम में कलेक्ट होगा पर उससे जो छोटा पार्टिकल होगा वो आगे कंपार्टमेंट में बढ़ जाएगा अब ये जो ओवरफ्लो है इसमें कुछ पार्टिकल है जो कि थोड़े छोटे पार्टिकल है पहले वाले से अब वो फिर इसके बॉटम से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अब देखो यहाँ पे हमको फर्दर कोई भी अलग से वाटर पाइपलाइन नहीं देना है बस यहां से क्या होगा इस फ्लूड के साथ पार्टिकल जो है फ्लूड के साथ पार्टिकल जो है ऊपर उठेगा अगर तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहां का डायमीटर कम था यहां का डायमीटर ज्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इस ट्यूब का ज्यादा है तो इस टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया है ना अब इस पाइपलाइन से जो लिक्विड आएगा यहां पे अगर इस यहां पे पानी भरने का रेट कम हो जाएगा धीमा हो जाएगा क्योंकि इस टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड जो पानी का फ्लो है लिक्विड का फ्लो है क्या अब वो कम हो गया पहले वाले कंपेरिजन में क्योंकि पहला टैंक जल्दी भर रहा था उसका ट्रांसफर क्रॉस सेक्शन ज्यादा कम था इसलिए इस टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा तो यहां पे पानी का फ्लो रेट कम होगा क्या तो पहले वाले के कंपेरिजन में फ्लो रेट कम हो जाएगा तो अब मैं इसको बोल दूंगा यहां पे फ्लो रेट वी है जो कि मीडियम है मीडियम वेलोसिटी है ठीक है अब इस मीडियम वेलोसिटी के कारण क्या होगा यहां पे जो पार्टिकल्स आ रहा है ना इधर से ओवरफ्लो में उसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिसको अब ये बैलेंस नहीं कर पाएगा ये फ्लो रेट जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएगा जो थोड़े बड़े थे पहले टैंक से आगे निकल गए लेकिन इस टैंक में अब वो ऊपर फ्लो रेट कम होने के कारण फ्लोट नहीं कर पाएंगे और सिंक हो जाएंगे और ये नीचे वाले इसमें एरिया में आके कलेक्ट हो जाएंगे लेकिन फर्दर क्या होगा अभी जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं कुछ पार्टिकल अभी भी इतने हल्के हैं कि इस फ्लो रेट के कारण भी ओवरफ्लो के साथ आगे बढ़ जाएंगे अब जो ओवरफ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे वो फर्दर फिर से एक ट्यूब में आ जाएंगे अब इस ट्यूब का डायमीटर और ज्यादा है पहले वाले से और ज्यादा पहले वाले से और ज्यादा तो इस टैंक को भरने में और समय लगेगा मतलब अब यहां पर जो फ्लो रेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो फ्लो रेट पहले वाले से और कम हो जाएगा तो अब इतना कम हो जाएगा कि ये जो बहुत छोटे पार्टिकल थे अब इसको भी ये लिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो जितना ज्यादा तेज फ्लो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा जितना धीमे धीमे फ्लो होता जाएगा उतना फोर्स कम होता जाएगा ताकि वो पार्टिकल को अपने साथ बहा कर दूसरे कंपार्टमेंट में ले जा सके तो अब ये इन छोटे पार्टिकल्स को कैरी नहीं कर पाएगा इसको अपने साथ उठा कर ये आगे नहीं ले जा पाएगा क्यों क्योंकि यहां पे इसका फ्लो रेट और कम हो गया है इसका पानी का बहाव और कम हो गया है और अब ये इसको उतना ताकत नहीं दे पाएगा कि ये पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के आगे ले जाए तो अब ये जो छोटे पार्टिकल हैं अब वो यहाँ पर नीचे सेटल होने लगेंगे और फर्दर हमको और जो छोटे पार्टिकल हैं वो यहाँ मिल जाएंगे इसी तरीके से हम जितना सीरीज आगे जोड़ते जाएंगे उतने फाइन पार्टिकल हमको अलग अलग ग्रेड के मिलते जाएंगे पहले वाले में सबसे बड़े पार्टिकल दूसरे वाले में उससे छोटे पार्टिकल और तीसरे वाले में और छोटे पार्टिकल और आगे जोड़ देंगे तो हमको जितने फ्रैक्शन चाहिए उस हिसाब से हमको वेलोसिटी को एडजस्ट करना होगा ट्रांसफर सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा कि कौन से डायमीटर का हमको ट्यूब रखना है ताकि वेलोसिटी कितना मिल सके और हर एक का वेलोसिटी को हमको कंट्रोल करना है हम अलग अलग साइज के अलग अलग ग्रेड के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर पाएंगे तो इसी तरीके से मैकेनिज्म होता है इल्यूट्रिशन टैंक का है ना जैसा कि आप यहां पे मैकेनिज्म देखिए एक बार एनिमेशन में पार्टिकल्स इस तरीके से आएगा पहले कंपार्टमेंट से आगे बढ़ जाएगा अगले कंपार्टमेंट में जैसे ही फ्लो रेट कम होगा अगर वो पार्टिकल को कैरी नहीं कर पाया तो पार्टिकल सेटल हो जाएगा और जिसको कैरी कर लिया वो अगले कंपार्टमेंट में चला जाएगा अगले कंपार्टमेंट में फ्लो रेट और कम हो जाएगा जिसके कारण अब जो पहले वाले कंपार्टमेंट से स्केप होके जो पार्टिकल आगे आ गया है वो पार्टिकल फर्दर क्या हो जाएगा बैलेंस नहीं हो पाएगा और उसमें से कुछ पार्टिकल जो कंपेरेटिवली हल्के भारी होंगे वो अब इस फ्लो रेट के साथ आगे लिफ्ट नहीं हो पाएंगे तो यहीं गिर जाएंगे पर अभी भी कुछ छोटे पार्टिकल होंगे जो अब इस फ्लो रेट में भी आगे बढ़ सकते हैं तो वो और आगे कंपार्टमेंट में चले जाएंगे और ये पूरा सीक्वेंस सीरीज चलता रहेगा पहले वाले का ओवरफ्लो दूसरे वाले का इनलेट होगा है ना हमेशा याद रखिएगा पहले वाले का ओवरफ्लो दूसरे वाले का इनलेट होगा और ये पूरा सीरीज ऐसा चलता रहेगा तो हमको अलग अलग ग्रेड के पार्टिकल हमको अलग अलग स्टेज पे मिल जाएंगे तो इसी तरीके से हमारा इल्यूट्रेशन का टैंक काम करता है जिसमें हम लोगों ने पूरा प्रोसेस को समझा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की क्योंकि हर एक इक्विपमेंट के साथ कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान जुड़े हुए होते हैं तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं ठीक है तो देखिए इल्यूट्रेशन अपीयर्स मोर प्रोमिसिंग देन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन अगर मैं बोलूं कि इल्यूट्रेशन जो है ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन डिकेंटेशन का मतलब होता है निथारना मतलब किसी बर्तन में तुम कुछ देर के लिए किसी सस्पेंशन को रख दोगे तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे उसके ऊपर का जो हल्का लिक्विड है है ना जैसे ये एक टैंक है इसमें हम स्लरी को डाल दें तो जो पार्टिकल है धीरे 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 नीचे बैठेंगे जैसे बर्तन में से कंकड़ धूल नीचे बैठ जाता है तो कुछ का धूल वगैरह जो है टाइम लगेगा सेडिमेंट होने में पार्टिकल हो जाएगा फिर इसके ऊपर के लिक्विड को धीरे धीरे अलग कर लेंगे तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस कहलाता है या सेडिमेंटेशन पार्टिकल को धीरे धीरे नीचे बैठने देना क्या कहलाता है सेडिमेंटेशन पर इल्यूट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं वाटर का फ्लो सेडिमेंटेशन अभी भी हो रहा है पर वाटर का फ्लो हम ऐड कर दे रहे हैं जिससे हम अलग अलग फ्रैक्शन दे पा रहे हैं यहां पर हम लोग एक टैंक में जब सेडिमेंटेशन के लिए रख देंगे तो यहाँ पास जो पार्टिकल है सारे के सारे पार्टिकल कुछ समय के बाद बैठ जाएंगे तो हम अलग अलग पार्टिकल तो नहीं अलग कर पाएंगे बस हम सॉलिड और लिक्विड को अलग कर पाएंगे हम हर साइज के पार्टिकल को अलग नहीं कर पाएंगे इसलिए बोल रहे हैं हम इसको मोर प्रोमिस इल्यूट्रिशन जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से ज्यादा अच्छा है इट हैज कंपेरिटिवली लेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट हैज लेजर एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब इसके पास हमारे पास इसमें कम खर्चीला इक्विपमेंट है ये इसका फायदा हुआ टैंक है टैंक में पाइपलाइन है कितना महंगा होगा ये मशीन अगर पाइप और टैंक है और एक मोटर है जो पंप करा पानी पंप करने वाला है तो हमारा कैपिटल यानी खर्चा कम है कैपिटल यानी कि जो इसके लिए खर्च होगा वो कम है एक्सपेंडिचर पैसे का खर्च कम है और एनर्जी का भी खर्च कम है इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होने वाला ठीक है क्योंकि पार्टिकल्स अपने आप ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सेडिमेंटेशन हो रहा है पार्टिकल्स को हमको अलग से कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, बस हमने एक एंट्री के लिए एक फ्लूड के एंट्री के लिए हमने एक पंप लगाना है देर आर नो मूविंग पार्ट इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है सो वेरी लेस नेसेसिटीज एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो जो मूविंग पार्ट होता वो है वो घिसता है टूटता है यहां कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं तो घिसने टूटने वाला काम है ही नहीं तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा खर्चा कम मेंटेनेंस में हम इसको बहुत लंबे समय तक टैंक क्या है अगर टैंक रस्टिंग प्रूफ है तो कभी खराब नहीं होने वाला तो टैंक जो है लंबे समय तक चलेगा तो हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट कम है प्लस इसको ऑपरेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आदमी की जरूरत नहीं है तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है इसको ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं है तो खर्च कम है इस मशीन को चलाने का खर्च कम है मेंटेनेंस और चलाने का खर्च कम है ये फायदा हो गया इट इज़ क्वाइट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफर्स लो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट देखो प्रेशर ड्रॉप कब होता है जब डायमीटर क्या होता है ज़्यादा से कम होने लगता है जब हम किसी फ्लो पाइप में जहां एंट्री पॉइंट है वहां पे अगर डायमीटर ज़्यादा है और आगे हमने कम डायमीटर रख दिया है तो रेजिस्टेंस हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप होता है या हमने बीच में कोई मेम्रेन लगा दिया फिल्टर वाला मीडियम लगा दिया तो वहां प्रेशर ड्रॉप होता है जैसे इसके पहले के इक्विपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था पर यहां पे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन बढ़ा रहे हैं ना एक के बाद एक ट्रांसफर सेक्शन बढ़ा रहे हैं अगले कंपार्टमेंट में और डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब रुकावट कम होने के कारण यहां पर प्रेशर ड्रॉप कम होगा प्रेशर ड्रॉप कम होगा तो यह इंस्ट्रूमेंट के लिए फायदेमंद हुआ हमको ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा जितना ताकत हम लगा रहे हैं उसी ताकत में सारा काम चल जाएगा अगर प्रेशर ड्रॉप होता तो सीरीज जोड़ने पर आगे चल के हमको दिक्कत होती है ना द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एब्रेशन बिकॉज ऑफ लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूड क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूड होता है ना उसकी वेलोसिटी ना वैसे बहुत कम होती है बहुत तेज नहीं होती वेलोसिटी कम होती है ताकि पार्टिकल्स को सेटल होने का भी मौका मिले इतना तेज नहीं होता कि पार्टिकल्स को सेटल होने का मौका ही ना मिले तो वेलोसिटी कम होने के कारण जो लिक्विड के कारण पाइपलाइन की दीवार में जो फ्रिक्शन है ना वो कम है तो यहां पे एब्रेशन नहीं हो रहा है घिसाव नहीं हो रहा है घिसाव नहीं हो रहा है क्योंकि लो वेलोसिटी फ्लूइड है इसके अंदर जो फ्लूड घूम घूम रहा है वो उसकी वेलोसिटी कम है तो इसके कारण भी हमारा इंस्ट्रूमेंट का लॉन्ग लाइफ हो गया पाइपलाइन भी ज़्यादा बदलना नहीं पड़ेगा जल्दी जल्दी पाइपलाइन भी खराब नहीं होने वाला द एपरेटस इज मोर कॉम्पैक्ट देन एज द यूज इन सेडिमेंटेशन देखो सेडिमेंटेशन मैथड के लिए बड़े बड़े टैंक लगते हैं जहां पर हमको क्या करना होता है पार्टिकल्स को अलाउ किया जाता है चौबीस घंटे के लिए अड़तालीस घंटे के लिए कि वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाए फिर हम ऊपर के पानी को अलग कर लेते हैं तो वो होता है सेडिमेंटेशन मेथड उसके लिए बड़ा जगह चाहिए लेकिन यहां पर हमको ज्यादा बड़ा जगह की जरूरत नहीं है हमको बस ट्यूब चाहिए हम अलग अलग डायमीटर का ट्यूब करेंगे तो हम हम क्या बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा साइज कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा साइज तो ये सेडिमेंटेशन मेथड में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के साइज के कंपैरिजन में छोटा साइज का होता है तो यहां पर फायदा हो गया कम जगह लगेगी किसी भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए हमको कम जगह लगेगी तो ये इसका फायदा हो गया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शन रिक्वायर्ड हमको कितने फ्रैक्शन में यानी कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमारे सैंपल को सेम नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम जितना जितना पार्ट में डिवाइड करना उतना ट्यूब हम लगा देते हैं और हर एक का क्रॉस सेक्शन अलग अलग होना चाहिए मतलब डायमीटर अलग अलग होना चाहिए जैसे पहले वाले ट्यूब का डायमीटर कम था दूसरे वाले का और ज्यादा तीसरे वाले का और ज्यादा और इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे जितना पार्ट हम कोई पूरे पार्टिकल को पांच पार्ट में डिवाइड करना है तो पांच ट्यूब लगा देंगे दस पार्ट में डिवाइड करना है तो दस ट्यूब सीरीज में जोड़ देंगे ठीक है जो हमारा फ्रैक्शन फ्रैक्शनेशन कॉलम जो है या इल्यूट्रेशन जो कॉलम है उस इल्यूट्रेशन कॉलम को जितने पार्ट में हम पार्टिकल्स को डिवाइड करना चाहते हैं उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे विथ इंक्रीजिंग डायमीटर या क्रॉस सेक्शन तो ये एडवांटेजेस हो गया हम सीरीज में बढ़ा बढ़ा के हम अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उतने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शन है ना ये इसके सारे एडवांटेज हो गए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि इस मशीन में भाई ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे फायदे ही होंगे नुकसान भी कुछ होगा तो हम बात करते हैं नुकसान की द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द शॉर्टिंग कॉलम बिकम द लोवेस्ट नियर द कॉलम वॉल एंड द हाइएस्ट नियर द मिडिल देखो एक प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूड पढ़ रहे होंगे तब आपको मैं बताऊंगा पर फिर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब किसी पाइपलाइन से पानी बहता है फ्लो होता है तो पाइपलाइन के दीवार के पास फ्लो रेट जो होता है ना वो कम होता है लेकिन जो सेंटर वाला रीजन है वहां पे फ्लो रेट ज्यादा होता है हमेशा क्रॉस सेक्शन में फ्लो ऐसा होता है क्यों क्योंकि जो इसकी दीवार के पास जो मटेरियल है ना वो इसकी दीवार से फ्रिक्शन के साथ गुजर रहा होता है फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टेंस होता है तो यहां पर जो दीवार के पास की लिक्विड है ना उसका फ्लो कम होगा एज कंपेयर टू सेंटर वाला एरिया यहां पास कोई फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगता ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है और फ्लो जो होता है सेंटर एरिया में ज्यादा तो अपन बोल सकते हैं कि टैंक का डायमीटर जैसे जैसे बढ़ने लगेगा फ्लो रेट उतना वेरी करने लगेगा सराउंडिंग में फ्लो ज्यादा हो रहा होगा दीवार की तरफ फ्लो कम हो रहा होगा बीच में फ्लो अलग हो रहा होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब एक बराबर फ्लो रेट पूरा पाइप के ट्रांसफर सेक्शन में होना उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो पर यहां पे यूनिफॉर्म नहीं होता सेंटर में जो है सेंटर वाले रीजन में फ्लो रेट थोड़ा ज्यादा होता है तो यूनिफॉर्म नहीं है मतलब पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन जो होगा हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो ठीक है जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाते हैं ना पाइपलाइन का वैसे वैसे यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है कम होते जाता है लेमिनार फ्लो नहीं रह जाता ट्रांसफर सेक्शन कम रहेगा तो लेमिनार फ्लो होगा जैसे ट्रांसफर सेक्शन बढ़ाएंगे वहां रैंडम फ्लो भी होने लगेगा इट इज नॉट सुटेबल फॉर मटेरियल विथ स्टिकी प्रोपर्स प्रॉपर्टीज uh, और टेकी मटेरियल अगर चिपचिपा टाइप का मटेरियल है तो उस टाइप के मटेरियल के लिए ये सुटेबल नहीं है क्योंकि मटेरियल आपस में चिपक के देखो क्या होता है जब पार्टिकल्स चिपचिपे होंगे तो एक दूसरे में चिपक गए तो बड़े पार्टिकल हो गए तो बड़ा पार्टिकल हो गया तो नीचे गिर गया या दीवार पे चिपक गया या कहीं जाकर चिपक गया तो इस टाइप के पार्टिकल को सेग्रीगेट करना आसान नहीं है तो ऐसे मटेरियल के लिए ये इल्यूट्रेशन टैंक सही नहीं होगा इट हैज अ लार्जर साइज एंड इट इज बल्कि इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग कोई और क्लासीफायर की बात करें तो उसके कंपेरिजन में ये बड़ा साइज होता है लेकिन अगर इल्यूट्रेशन टैंक से अगर कंपेरिजन करें तो छोटा होता है तो फिर भी अगर दूसरे साइज सेपरेशन इक्विपमेंट की बात करेंगे इल्यूट्रेशन सेडिमेंटेशन टैंक को छोड़कर तो भी ये बड़ा साइज होता है है ना जितना सीरीज हम जोड़ते जाएंगे उतना जगह ज्यादा घेरता जाएगा जितने ट्यूब्स नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ाते जाएंगे उतने जगह ज्यादा घेरता जाएगा तो मे भी कभी कभी ये क्या हो सकता है बल्कि इंस्ट्रूमेंट हो सकता है है हाँ ना सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हैज टू बी बी डाइल्यूटेड मे नॉट डिजायर्ड इन सर्टेन केसेस मतलब आप ये चीज देख ही थे कि यहां पे इल्यूट्रेशन टैंक में नीचे से पानी जा रहा था और एक तरफ से हमने सॉलिड एंट्री किया तो हर बार पानी यहां से लगातार मिल रहा है मतलब ये डाइल्यूट होता जा रहा है तो जो हमको सस्पेंशन मिलेगा सॉलिड और लिक्विड का वो डाइल्यूट फॉर्म में मिलेगा तो कभी कभी हमको ज्यादा डाइल्यूटेड की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस समय यह सुटेबल नहीं होगा हमको मान लेते हैं दो पार्ट में डिवाइड करना था हेवी बस को अलग करना है और लाइट वाले को अलग करना है तो लाइट वाला ओवरफ्लो के साथ आएगा और जो ओवरफ्लो के साथ आएगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा तो अगर डिजायर नहीं है हमको बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड की जरूरत नहीं है तब वहां पे ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा क्योंकि हम लगातार इसमें पानी एंट्री करा के डाइल्यूट करते जाते हैं सस्पेंशन को या स्लरी को हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो हमको फर्दर कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी आगे चलकर तो वहां पे ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है ठीक है तो ये हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रेशन टैंक अब बात करते हैं लगे हाथ हम इस इलेक्ट्रेशन टैंक में यूजेस की इसका यूज कहां पे है तो इसका यूज बहुत जगह पे है है ना जनरली सेग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड ये याद रखना कि इन सोलिबल सॉलिड के लिए ये यूजफुल है अगर सॉल्यूबल कोई सॉलिड है उसके लिए हम यहां पे टैंक का यूज नहीं करेंगे नहीं तो वो क्या होगा सॉलिड को घोल देगा तो हमने सॉलिड को सॉलिड फॉर्म में नहीं रख पाए अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है जो पानी में ना घुलता हो या जिस लिक्विड में हम डाल रहे हैं उस लिक्विड में ना घुलता हो तब उसके लिए सही है लेकिन अगर घुल जाता होगा तब ये सही नहीं है जैसे कि चाक आफ्टर वेट ग्राइंडिंग या चाक जो होता है इनको एक तरीके का ये अर्थ मटेरियल है मतलब क्ले बेस्ड मटेरियल है मिट्टी जैसा चीज होता है और उसमें से इसको फिल्टर करते हैं कंकड़ वगैरह को अलग करते हैं तो वहां पास इस इल्यूट्रेशन टैंक का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो होता है केवलिन और चाक ये पानी में घुलते नहीं है सस्पेंड होते हैं डिस्पर्स होते हैं तो वहां पर यह यूजफुल है कैल्शियम कार्बोनेट्स है ना इस टाइप की चीजें जो पानी में ना घुलती हूँ यूज फॉर वॉशिंग आउट टेन टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम द इनकमिंग स्लज स्ट्रीम ऑफ प्लांट जो प्लांट में से कचरा निकलता है ना बहुत सारा स्लज में मतलब बहुत सारा गंदगी से भरा पार्टिकल से भरा हुआ पानी उसमें से दस से लेकर पैतालीस परसेंट तक पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम इल्यूट्रेशन टैंक लगा देते हैं इल्यूट्रेट में बी देन रिसाइकिल एंड यूटिलाईज बाय द प्लांट अगेन तो इससे क्या हो जाएगा जब हम उस पूरे का पूरे पानी में से लगभग 50 परसेंट पार्टिकल अलग कर लेंगे तो बचा हुआ पानी जो है उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज कर सकते हैं है ना फिर से यूज कर सकते हैं तो जहां पे हमारे पास पानी की कमी है या ऐसा फ्लूड का इस्तेमाल हो रहा है जिसको हमको रिकवर करना भी जरूरी है वहां पर यह इल्यूट्रेशन टैंक वाला इक्विपमेंट यूजफुल होगा ताकि हम इसमें से जो फ्लूड यहां भेज रहे हैं उसको हम एट द एंड प्योर कर लें और फिर से रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लें तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस आखिरी वाले में से हम इसको फिर से पहले वाले में एंट्री मारा कर देंगे और हम इस इस पूरे साइकिल को कम अमाउंट में लिक्विड इस्तेमाल करते हुए भी यू, यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये इसका फायदा हुआ लेकिन वहां पे जहां पे सॉलिड जो होंगे वो इनसॉल्यूबल होंगे घुलने वाला ना हो फ्लुड में घुलने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए ओके तो डेट इट हमारा जो इलेक्ट्रेशन टैंक है वो पूरा होता है आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा अंडरस्टैंडिंग लगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर से, से, कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और उनको भी इसका फायदा मिल सके ठीक है तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं थैंक यू